अगला टॉपिक जो है वो है जी हमारा एल्यूमिनियम का। हमने पढ़ना है कि जी एल्यूमिनियम जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज क्या है। जनरल एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो जी होता है 13। उसका जो एटॉमिक वेट है वो होता है 26.982 ग्राम्स होता है। Al एल्यूमिनियम को इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके स्क्रीन पे सामने नजर आ रही है, ठीक है। उसको एल्यूमिनियम ही कहा जाता है कॉमनली भी, जैसे हम सोडियम के लिए एम्फोटेरिक नेचर होती है। एम्फोटेरिक नेचर होती है जिनके बोथ साइड की उसकी जो होती है वो नेचर होती है। अगर हम आयोनिक सेंस में बात करेंगे, आयोनिक कोवलेंट यानी कंपाउंड की सेंस में बात करेंगे, तो ये दोनों सेंसेस देगा आपको, आयन एम्फोटेरिक नेचर देगा। और एसिड बेस रिएक्शन के अंदर हम इसकी बात करेंगे तो तब भी एम्फोटेरिक नेचर देता है। एम्फोटेरिक नेचर मतलब कि दोनों में काम करेगा। मेटल नॉन मेटल की बात करेंगे तो तब भी ये एम्फोटेरिक नेचर देता है। ये एक ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। सो मैंने आपको कल बता दिया था कि कल जो ये आपके ग्राफ के अंदर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एक स्टेप लाइक जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो कुछ यूज करते हैं खाने के लिए, ठीक है। वो भी एल्यूमिनियम फॉइल से बने होते हैं। या अम्मा जो होती हैं वो लंच आपको पैक करके दे रही है तो वो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर पैक करके आपको दे देती हैं, या उन्होंने कोई डिश वगैरह बनाई है तो वो उसको कवर कर देती हैं एल्यूमिनियम फॉइल के साथ, ठीक है। या आप देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े जहाज हैं ये एल्यूमिनियम के साथ मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे यूटेंसिल्स जो हैं वो आपके एल्यूमिनियम के साथ मिलकर बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो एल्यूमिनियम के साथ मिलकर बनती हैं वो हम यूजेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम जो आपका जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है इसके रिएक्शंस। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या Thank you.
क्या करता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, तो क्या वो बना देता है, वो बना देता है जी एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देता है। जब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ये 3 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो ये 3 के लिए सेट कर देंगे, ठीक है। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देता है। उसने क्या कहा है कि आपने हीट करना है एल्यूमिनियम को, हीटेड एल्यूमिनियम कंबाइंड विद दी हैलोजन्स, हैलोजन्स आप कोई भी ले सकते हैं, हैलोजन्स आपको पढ़ चुके हैं, हैलोजन फैमिली कौन सी होती है, हैलोजन फैमिली होती है जी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एसिटीन, ठीक है। तो ये क्लोरीन के साथ आपने इसी तरह से जब आप रिएक्ट कराते हैं एसिड्स के साथ, ये देखें यहाँ ये इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया, क्या होगा, अल्कलीज के साथ कराए और एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होएगा। अब हम कराते हैं इसको एसिड्स के साथ रिएक्ट, एसिड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं हम एल्यूमिनियम को Al+HCl, दैट इज टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड ही बनाएगा, ठीक है। साथ में क्या दे देगा, साथ में जब भी मैंने आपसे कहा था कुछ मेटल रिएक्ट करेगी किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ, ऑक्साइड है, यही वो गैस है जो कि आपके ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने के अंदर, यानी कि आपकी एसिड रेन, आपके पोल्यूशन कॉज करने के अंदर ये प्राइमरी फैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये आ गया, अच्छा जी, ये एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, यहाँ पे ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के यूज होंगे, ये आपके एसिड के साथ रिएक्शन थे। अब हम इसको कराते हैं जी, इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, तो इसके बेस के साथ रिएक्शन कैसे होंगे, एल्यूमिनियम को डाला हमने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, NaOH के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो अगर उसने क्या कहा है कि नॉर्मल जो एसिड्स होंगे उनके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो वो जो है वो आराम से ही रिएक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही आप जो है वो कंसंट्रेटेड उसके अंदर यूज करेंगे, एसिड्स को यूज करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो विगरस और रैपिड रिएक्शंस जो होगा वो आपको मिलेंगे। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसको क्या चाहिए होगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि उसके एम्फोटेरिक नेचर है, यानी कि हल्का सा उसके पास बेस भी मौजूद है, हल्का सा उसकी एसिडिक नेचर भी है, सो उसको स्ट्रॉन्ग ही दोनों सिचुएशंस में जो है वो चाहिए होंगे।
However, it is oxidized by the hot नहीं देता, उसकी वजह क्या है? प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड. क्यों? क्योंकि वो एल्युमिनियम नाइट्रेट जो है वो उसके ऊपर बन जाता है. वो एल्युमिनियम नाइट्रेट या एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपको पहले ऊपर बता दिया था कि वो जब रिएक्ट करती हैं वाटर के एयर के साथ, तो तब वो वहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ले लेते हैं और वहाँ से उसको वो बाइंड कर लेते हैं. तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है. इसलिए जो होता है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो HNO3 होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाना या नाइट्रेट बनाना वो अफोर्ड नहीं. नाइट्रिक एसिड है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एल्युमिनियम कंटेनर्स यूज़ करते हैं, उसको वो रिएक्ट नहीं करता. बात समझ आ गई? क्योंकि वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है. एल्युमिनियम डिसॉल्व, और यहाँ से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी बन जाता है कि ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, ये रिएक्ट नहीं करती है नाइट्रेट के साथ. सो हम इस वजह से इसको कंटेनर्स को यूज़ करते हैं, उन कंटेनर्स को यूज़ करते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है. तो व्हाई, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसको वो प्रोटेक्टिव कवरिंग दे देता है, उसको रिएक्ट नहीं करता, उसके लिए वो पैसिव है. सोडियम के साथ रिएक्ट किया, इसी तरह से ये जो है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और आपका जो होगा ये फॉर्म कर देगा. ठीक है, ये इसके जो थे वो रिएक्शंस थे. ठीक है, अब एल्युमिनियम जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है? एल्युमिनियम का सवाल आपसे आपके पेपर में पूछा जाता है कि एल्युमिनियम को कहाँ यूज किया जाता है, 2 या 3 नंबर का सवाल आ जाता है. इज यूज इन हाई ह्यूज वैरायटी में यूज होता है. प्रोडक्ट्स कौन सी? केन्स बनाने के लिए यूज होता है, फॉइल्स को बनाने के लिए, किचन यूटेंसिल्स आपके बहुत सारे, विंडो फ्रेम्स को बनाने के लिए, एरोप्लेन के पार्ट्स को बनाने के लिए, आपके कॉइन्स में एल्युमिनियम यूज होता है. एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज ऑफन यूज इन द साइड वाले हैं उनको हम जीपी ब्लॉक में रखते हैं, और ये जो दोनों मौजूद हैं ये वाले ये दो, इनको हम रखते हैं जीएफ ब्लॉक के अंदर. ठीक है, ये आते हैं जीएफ ब्लॉक के अंदर. ठीक है, ये हमने कुछ डिस्कस कर लिया था. उसके बाद ये हम बोरॉन फैमिली को डिस्कस कर चुके हैं. अब बारी है जी हमारे पास कार्बन फैमिली की, फिर आएगी जी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन, और लास्टली है जो हमारे पास नोबल गैसेस. ठीक है, ये जस्ट आपकी रिविजन के लिए था. कार्बन जो ग्रुप 4 है, ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंप्राइजेस ऑफ द एलिमेंट्स नोन एज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेंशियम.
is of such nature, however, that there are very few similarities between the extreme elements, their members. Thus, carbon and lead differ very considerably, far more, for example, than do lithium and cesium in group 1. जैसे हमने lithium और cesium में पढ़ा था कि lithium और cesium के दरमियान के properties जो थी वो बड़ी differ करती थी, ठीक है? lithium की properties differ थी और जो सीजियम था वो बिल्कुल डिफरेंट था, वो रेडियो आइसोटोप है उनकी तरफ से था, वो रेयर एबिलिटी रखता था अपने एनवायरनमेंट के अंदर. ग्रेफाइट ए को कहते हैं जी हम डायमंड, ठीक है? और ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिकॉज ऑफ द लेयरिंग इसके स्ट्रक्चर में जो मौजूद होती है, उसकी वजह से इसके अंदर जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेयर लैटिस बनी हुई होती है. और जो डायमंड होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन इसका जॉइंट किस्म का मॉलिक्यूल होता है और लेयरिंग नहीं होती है, बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स इन दोनों के बहुत हाई होते हैं. सिलिकॉन का एलोट्रॉपिक फॉर्म कोई नहीं है और ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बुरा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं करती है. इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल डायमंड की तरह का होता है. डायमंड की तरह का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है. वाइट टिन जो होता है वो चेंज करता है अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जो ग्रे टिन है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी वेरी करता है. लेड लेड का एलोट्रॉपिक फॉर्म कोई नहीं होती है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की और इसका भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा है और बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत ज़्यादा हाई है. सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ 4A क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, वेयर सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ अल्टरनेशन के ऊपर टू फॉर्म कार्बन भी बना सकते हैं, कार्बन की चेन्स भी बनती हैं, सिलिकॉन की भी बनती हैं जो लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बनाती हैं अल्टरनेट के ऊपर, ठीक है? और सिलिकॉन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ ज़रा अच्छे से बनाता है, कार्बन जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, सल्फर के साथ भी बना सकता है, ठीक है? ये इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो बनती है, लेकिन सिलिकॉन जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अपनी लॉन्ग चेन्स बनाते हैं. सिलिकॉन एंड कार्बन बोथ फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स, वेयर एज द ऑक्साइड्स ऑफ द जर्मेनियम टिन एंड लेड आर एम्फोटेरिक.
को रहा है कि क्लोराइड्स वो क्लोरीन के साथ जो उसका बॉन्ड होगा वो होंगे, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 4A आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विद द टू पेयर्स, ठीक है, टू फॉर्म्स अ पेयर। पेयर के साथ वो डबल बॉन्ड के साथ भी बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर ये एबिलिटी सिर्फ कार्बन के पास है कि वो डबल बॉन्ड बनाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, बाकी उसका किसी मेंबर के पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो डबल बॉन्ड बना सके, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, समझ आ गई है। लेकिन लिंकेज का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ पर सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अपने लिंक जो है वो लिंकेज स्ट्रक्चर जो है वो बना ओनली वन ऑफ द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टैनम स्टैनस और प्लम्बस कंपाउंड। स्टैनम SN जो स्टैनम है वो SN के लिए है, रोटीन के लिए है, और प्लम्बस या प्लम्बिक जो वर्ड यूज होता है वो लेड के लिए यूज होता है, जिसका जिसका सिंबल है वो PB है, ठीक है, यूज फॉर बॉन्डिंग। द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट इज रेडिली टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज इनर्ट पार्ट। एज इन द अदर ग्रुप्स द इनर्ट पार्ट इफेक्ट इज मोर मार्क्ड इन द एलिमेंट्स ऑफ द हायर एटॉमिक मास। पाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बन जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। कार्बन जो है वो ज्यादातर एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है, टू स्टेट्स के अंदर, एक फ्री स्टेट होती है और एक होती है कंबाइंड स्टेट, ठीक है। इनसाइड द अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, उसके बाद हमें को फ्यूल, वुड, कॉटन, कार्बन, कोल, कार्बन, पेट्रोल, नेचुरल गैस, बायोगैस के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉट ऑफ कंपाउंड्स है, कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं। कार्बन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है तो वो डायमंड और ग्रेफाइट और इस फॉर्म में पाया जाता है, और अगर वो कंबाइंड स्टेट में है तो वो कैसे पाया जाता है ये आपको बता देते हैं। फ्री स्टेट के अंदर और ये होते हैं जो कि खत्म नहीं होते हैं, जिनको रीन्यू नहीं करना पड़ता, ठीक है। वो नॉन रीन्यूएबल है, और जो रीन्यूएबल है वो है जिनको रीन्यू करना पड़ता है। रीन्यू वाले कौन से हैं? वो आपके फॉसिल फ्यूल्स के अंदर रहते हैं। जो नॉन रीन्यूएबल है वो आपके हैं जी सन, लाइक सन की जो है, और वाटर जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वो मुसलसल हैं और वो वैसे ही रहेंगे। ऑल दो क्या पानी की भी अब जो है वो उसमें रिसोर्स में जो है वो कमी आने शुरू हो गई है। कार्बोनेट्स उसके बाद आ जाते हैं। कार्बोनेट जो है वो इन लाइम के अंदर, मार्बल के अंदर, वहाँ पे जो है वो आपको कार्बन का सोर्स मिल जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, इसके अंदर ये Thank you.
कौन कौन से हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसा ही O2 पाया जाता है। मीका जो होता है वो बड़ा ही इसका शाइनी सा कलर का वो है, सॉफ्ट फ्लैट शाइनी ब्रेक इनटू द शीट्स हो सकता है। फेल्डस्पार को भी हम यूज़ करते हैं। अब यही आप पूछेंगे कि ये एल्युमिनियम में भी आए थे, यही मीका आया था और यही फेल्डस्पार भी आया था, ठीक है। और एक और जो है वो फेरो मैग्नेटिज्म सिलिकेट्स, ये हम ज़्यादातर आयरन के और मैग्नीशियम के जो होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है। फेरो फेरिक से है, आयरन से है और मैग्नीशियम से है। फेरो मैग्नीशियन और सिलिकेट्स ये इनके साथ जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद हाँ हाँ ठीक है। टेल्क का आप पढ़ के या सोप स्टोन का आप मैग्नीशियम के अंदर ऑलरेडी ये पढ़ के आ चुके हैं, चैलेंज ये दोबारा से करा देते हैं। टेल्क का, ठीक है, टेल्क का फॉर्मूला होता है Gh2Ng3 और SiO3Hol4, ठीक है। ये होता है टेल्क का फॉर्मूला। ये इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको लाजमी आपने याद करना है, ये आपके पेपर के अंदर ज़रूर पूछता है, ठीक है। आपको क्वार्ट्ज का पता है कि क्वार्ट्ज कहाँ कहाँ यूज हो रहा होता है। क्वार्ट्ज आपको जो है वो उसके अंदर डिफरेंट जगह के ऊपर आप घड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके मास होता है या वेट होता है, सिंबल इसका सी है। उसके बाद ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको 12 पे डिवाइड कर लें, 2s2 एंड 2p2 तक चलता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी होती है ऑफ हायर वेलेंस ऑक्साइड्स जो होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। हेक्सागोनल किस्म का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है, मेनली जो है वो यूज एज अ फ्लूइड एंड इट इज अ गुड कंडक्टर। ज्यादातर ये फ्लूइड के तो एज अ फ्लूइड यूज होता है और ये जो है वो एक बड़ा ही अच्छा एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और उसमें भी उसकी जो एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट वो है, ठीक है। मेटलर्जिकल रिडक्शन रिएक्शन विद द कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स एट द टेम्परेचर रिएक्ट विद द कार्बन फॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बाइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कुछ उसने रिएक्शन जो होते हैं वो आपको दिए हुए हैं,
आयरन के साथ कार्बन रिएक्ट करेगा तो आयरन के मेटल को अलहदा कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अलहदा कर लेगा। आपको पहले ही बताया था, जब भी मेटल जो है वो कार्बन के साथ या कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी या हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगी, तो वो हमेशा जो होगा वो हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको लिबरेट करेंगी। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं, उसको हमने कार्बाइड्स के साथ रिएक्ट करवाए, कैल्शियम ऑक्साइड को जो है वो कार्बाइड्स के साथ रिएक्ट करवाया, तो हाँ कैटिनेशन और सेल्फ लीनियज। द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटिनेशन डिक्रीजेज और मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर्म कार्बन टू लेड। द मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन एसोसिएटेड विद द कार्बन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द कार्बन कंपाउंड विच कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसकी जो थी वो डिफरेंट प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी जो थी, या एनोनिमस बिहेवियर था, या इसकी पिक्युलर बिहेवियर था, या एक और उसका था, कार्बन एंड सिलिकॉन्स आर नॉन मेटल्स वाइल द अदर मेटल्स ऑफ द फैमिलीज आर दी मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, ये क्या है, ये जो है ऑक्साइड के फॉर्म में SiO2, वही जो है वो क्वार्ट्ज है, और वही जो है वो आप जिसको कह रहे हैं कि वो चिप सिस्टम के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो वही चीज़ है। ठीक है, SiO2 है। और ये जो होता है सिलिकॉन जो होता है, वो उसकी बड़ी हाई किस्म की जो होती है वो ट्रांसपेरेंसी है लाइट की तरफ, और वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट सॉफन बिलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। 1500 डिग्री टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड इसको चलाइए होता है तो मेल्ट डाउन हो जाए। वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन, एक्सीलेंट इंसुलेटर, हार्ड ब्रिटल एंड इलास्टिक इन स्ट्रक्चर, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इनर्ट टूवर्ड्स मनी रिएजेंट्स। कैलिसो प्रिंटिंग के ऊपर भी हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से एल्युमिनियम के भी सिलिकेट्स होते हैं, ये भी यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैल्क सोप के जो है वो हमने डिस्कस किए थे। एस्बेस्टोस को हमने डिस्कस किया था कि एस्बेस्टोस जो है वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या था। सिलिकॉन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, एज अ सेमी कंडक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, इज अ सब्सटेंस दैट हैज़ अ डिफरेंट रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। सेमी कंडक्टर्स इंक्लूड द एलिमेंट अंदर
अंदर एक एबिलिटी होती है। उसके बाद उसने क्या कहा था कि ये जो सिलिकॉन्स होते हैं दे गिव देम देयर नेम्स विच मीन्स हाफ कंडक्टर्स, इनको हाफ कंडक्टर्स भी कहा जाता है। हाउएवर वेल दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड अपॉन देयर टेम्परेचर, जितना कैसे टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं वो ये काम करते चले जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आगे आ जाता है जी आपके पास लेड। लेड के आपको उसने दो कंपाउंड्स बताए थे, लेड के दो कंपाउंड कौन कौन से थे, एक तो लेड वो हम ज़्यादातर पेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं इस लेड को, ठीक है। एक लेड जो होता है वो होता है जी जाते हैं, ठीक है। और इनके कलर्स जो होते हैं वो जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, पेल येलो कलर से लेके रेडिश येलो कलर तक के इनका जो टिंच होता है वो जाता है। इनको इस्तेमाल करते हैं हम डिफरेंट फॉर्म में, और ज़्यादातर जो इसका जो कॉमन आपको कंपाउंड नज़र आता है लेड का वो होता है जी PbO2, लेड ऑक्साइड, ठीक है। वाइट लेड मैंने आपको बता दिया था, वाइट लेड क्या होता है, बेसिक वाइट लेड जो होता है वो होता है जी लेड कार्बोनेट, PbCO3 और PbOH2, इसके साथ ये दोनों कंबाइन होते हैं और ये वाइट कलर का पिगमेंट बनाते हैं। और इसको आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं लाइन ठीक है। लेड क्रोमेट, लेड क्रोमेट को भी हम आप यूज़ करते हैं। लेड क्रोमेट को हम जो आपकी ये मेटल्स होती हैं एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाने के लिए, वहाँ पर भी हम इसको मेटलर्जी के प्रोसेसेस हैं वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, और कल इंशाल्लाह हम जो है इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3।